वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई विश यू आर ऑल इन गुड हेल्थ एंड स्टडिंग वेल। सो आज हम कर रहे हैं द लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेफ्टी रूल्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमने पॉइंट्स में लिखना है चिल्ड्रन। सो देर आर 5 पॉइंट्स फॉर दिस आंसर। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। लेट्स रीड। राइट एनी 5 सेफ्टी रूल्स। तो हमने क्या करना है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं डाला मैम ने? क्योंकि मैम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं यहाँ से, हाउ व्हेन वेयर नहीं पूछ रहे हैं, राइट बोल रहे हैं आपको, बोल रहे हैं कि कोई भी 5 सेफ्टी रूल्स लिखो। हमने चैप्टर पूरा रीड किया है, उसमें कितने सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं हमने, जो हमें घर पे फॉलो करने होते हैं, रोड पे फॉलो करने हैं या स्कूल में करने हैं। तो उनमें से हम कोई भी 5 सेफ्टी रूल्स आज लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम नंबर 1 कर रहे हैं, वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। मतलब हमें शार्प थिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब आपको पता है घर में कितनी सारी शार्प थिंग्स होती हैं, देयर इज़ इंजेक्शंस, देयर इज सिरिंज, नाइफ, सीजर्स, ब्लेड, नेल्स, नीडल्स। तो दीज आर शार्प थिंग्स जो घर पे होती हैं, बिकॉज दीज आर सम आइटम्स जो हमें डेली यूज़ में चाहिए। बट दीज आर नॉट द थिंग्स जिनके साथ हम खेलें, इनके साथ हम प्ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे आप लिखोगे वी शुड नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स। नंबर 2, वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। आई होप आपको स्ट्रेंजर वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता चल गया है। स्ट्रेंजर इज़ एन अननोन पर्सन, या वो इंसान जिसको हम नहीं जानते हैं। तो हमें ऐसे किसी आदमी से, किसी भी ऐसे स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आपको कोई कैंडी दे रहा है, कोई खाने की चीज़ दे रहा है, कोई टॉय दे रहा है, कोई पेट दिखा रहा है। तो यू डोंट हैव टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर। सो वी विल राइट नंबर 2, वी शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं, We should not take any medicine on our own. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला बच्चा है, दैट गर्ल, वो खुद मेडिसिन खा रही है, खुद टेबलेट्स खा रही है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग चिल्ड्रन। यू कैन नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। किसी भी तरह की दवाई आप खुद नहीं ले सकते हो, ठीक है? और वो आपको कौन दे सकता है? योर पेरेंट्स, योर एल्डर्स। फाइन, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दिस इज़ स्पेसिफिकली ये बच्चों के लिए है, दैट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन आवर ओन। इवन जब मम्मा पापा या कोई बड़े भी बीमार होते हैं, वो भी पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से पूछ के ही वो मेडिसिन लेते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 4 पढ़ते हैं, डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क्स और चेयर्स। क्लासरूम में जो फर्नीचर होता है, डेस्क होते हैं या चेयर्स होते हैं, टीचर चेयर होती है, आपको उन पे जंप नहीं करना चाहिए। यू कैन सी फर्स्ट पिक्चर पे क्रॉस लगाया है मैम ने, विच शोज़ कि दिस इज़ रॉन्ग, वी आर नॉट सेफ इफ़ वी आर डूइंग दिस। एंड इन द सेकेंड पिक्चर चिल्ड्रन आर सिटिंग नाइसली, सो दे आर एब्सोल्युटली सेफ। सो रीड अगेन, डू नॉट जम्प ऑन द डेस्क और चेयर्स। नंबर 5, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ। गेट इन का मतलब बस के अंदर जाना, गेट ऑफ का मतलब बस से नीचे उतरना, फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से। ऐसा हम स्टेशनरी बस, खड़ी हुई बस जो है उसके साथ तो कर सकते हैं, जब स्टॉप पे है बस उसके अंदर भी चढ़ सकते हैं, उसके नीचे भी उतर सकते हैं, बट मूविंग बस में हमें ये नहीं करना चाहिए। यू कैन सी दोनों पिक्चर्स पे मैम ने क्रॉस लगाया है। अगर आप भाग के बस पे चढ़ रहे हो या भाग के बस से उतर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस बहुत डेंजरस हैं। तो वी शुड नेवर डू दिस। सो रीडिंग अगेन, डू नॉट गेट इन और गेट ऑफ From a moving bus. तो बेटा ये 5 पॉइंट्स है, हमने कोई भी 5 सेफ्टी रूल्स लिखने थे, तो इसकी मैम ने आपके साथ इमेज भी शेयर करी है। एंड देर आर 2 पेजेस, तो आपने ध्यान रखना है कि टोटल 5 पॉइंट्स ही आप लिखें। सेकेंड पेज पे भी है 5th पॉइंट, सो यू हैव टू चेक थरली एंड राइट एंड ऑल्सो लर्न दैम इन द नोटबुक। सो दैट्स इट फॉर द डे। इट्स वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग वर्क। कीप लर्निंग एंड एन्जॉय स्टडिंग। टेक केयर ऑल।